for a thin uniform circular ring. This is a thin uniform circular ring having mass m and radius r. This is its center. And this is any particle P at a distance of R from its center. Now, the question is, first principle, basic definition apply karo. Aur basic definition apply karke, sabse pehle, ग्रेविटेशनल फील्ड एट आर सबसे पहले लिखो. क्यों ना सबसे पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखे, डायरेक्शन भी हम देखते जाएंगे. ई एट आर लिखो, फिर उसके बाद आर इक्वल टू जीरो कर दो. और ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पर सोचो, फिर उसके बाद r इक्वल टू इंफिनिटी कर दो और ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट पॉइंट पर सोचो. फिर e इज इक्वल टू r, वेयर r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ रिंग. इस बात को सोचो, फिर आप सोचो यदि हम r इक्वल टू प्लस डी आर पर जाएंगे. तब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? यदि हम r इक्वल टू माइनस डी आर पर जाएंगे तब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? और इससे आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करो. फिर आप सोचो एट व्हाट आर नॉट वेयर ई मॉड ई इज मैक्स किस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है, वह आर नॉट की वैल्यू क्या है और मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है एंड फाइनली प्लॉट फॉर फील्ड वर्सेस आर and discuss its continuity and differentiability. Finally, verify minus dv by dr is gravitational field. इस रिंग के लिए मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करा जाए. फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक लॉ लगाते हुए सारी बात सोची जाए और फिर इन सारी कंडीशंस को सोचा जाए. इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज ओवर द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस के कंसेप्ट की भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी. ग्राफ्स, फंक्शंस और साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड तो पढ़ी रहे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का भी एक रिविजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस सिचुएशन. वंस अगेन एज आई टोल्ड यू, पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने का मतलब इस जगह पर हम सबसे पहले एक पॉइंट मास रख के देखेंगे और इस पॉइंट मास पर फोर्स डिटरमाइन करेंगे. हम कहेंगे कोई सा भी डिफरेंशियल एलिमेंट डीएम इधर लिया जाए, इसे इस तरह से जोड़ दिया जाए तो यह जो दूरी होगी, यदि इस रिंग का रेडियस r है, then this distance would be r square plus capital R square root of it, or run back. इस डिफरेंशियल मास पर फोर्स df लगेगा. And this df force would be equal to g. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही काम करता हूं, डायरेक्शन से बाद में देखूंगा. g dm m by r square plus small r square. This is the df force on this mass, और उस फोर्स का डायरेक्शन भी मैंने दिखा दिया. हम कहते हैं इस तरह के हर एक एलिमेंट की वजह से फोर्स इस तरह से लगेगी और यह फोर्स थीटा एंगल पर होगी. जहां पर cos थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा वुड बी स्मॉल r अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 1/2. हम कहेंगे फोर्स के दो कंपोनेंट करे जा सकते हैं, df के दो कंपोनेंट करे जा सकते हैं. एक तो df साइन थीटा और यह कंपोनेंट होएगा df cos थीटा. यू ऑलवेज नो दैट ये जो df साइन थीटा है, ये कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसी तरह का जब इधर एक एलिमेंट लेंगे डायगनली अपोजिट, तो इस डायगनल अपोजिट कंपोनेंट की वजह से df साइन थीटा हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा. इसी तरह जबकि df cos थीटा कंपोनेंट हमेशा एड अप होता जाएगा. हम कहेंगे द टोटल फोर्स f इज इंटीग्रल ऑफ df cos थीटा. वी नीड टू एड ऑल दिस df cos थीटा, सारे df cos थीटा हम एड कर दें. df की जगह पर g dm इंटू m बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह r अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 1/2. अब g भी कॉन्स्टेंट, स्मॉल m r सारी टर्म कॉन्स्टेंट है, अंदर सिर्फ एक dm बचा रह जाएगा. g m r अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 3/2, अंदर बचा रह जाएगा सिर्फ इंटीग्रल ऑफ dm. और इस तरह से यह फोर्स हो जाएगा g m m r बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 3/2. और इधर से हम कह दें इफ
mass is 1 kg, तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा एंड फ्रॉम हियर आई विल राइट ग्रेविटेशनल फील्ड इज जी एम आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. If R is very very large as compared to capital R, तो इसे हम यही का यही negligible करके ignore कर सकते और हमें expression बिल्कुल clearly दिखने लगेगा इस gm by R square. That is, it would behave as a point mass. रिंग वुड बिहेव एज अ पॉइंट मास एट सेंटर. ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिंग बिहेव एज पॉइंट मास एट सी, जो इसका सेंटर है. यदि E इज इक्वल टू जीरो हो जाए, R इक्वल टू जीरो हो जाए, स्मॉल R की वैल्यू जीरो हो जाए, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस R के जीरो हो जाने से. सम कॉन्स्टेंट इंटू जीरो, इट वुड बिकम जीरो. आप फिजिकली सोचिए, यदि इधर हम कोई सा भी मास रखेंगे तो सारे मास उसको रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे, और सारे मास जब उसको रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो सारे फोर्स का नेट वेक्टर सम जीरो हो जाएगा, वो सारे मास का नेट वेक्टर सम जीरो हो जाएगा और वहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगी. एट ई इंफिनिटी, वंस अगेन जब हम इंफिनिटी पर चले जाएंगे तो हमें यह कंसेप्ट फिर देखना होगा. हम इधर R से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं या फिर हम इस कंसेप्ट को देखें. इफ R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल R एंड इफ दिस R अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो ही अप्रोच करेगा, मतलब सेंटर पर भी जीरो है और इंफिनिटी पर भी जीरो, प्लस डी आर पर. प्लस डी आर पर जब हम लिखने जाएंगे तो आप देखिए एट प्लस डी आर, दिस वुड बी जी एन इंटू प्लस डी आर अपॉन ये डी आर आर के रेस्पेक्ट में जीरो पॉजिटिव बैठो, तो दिस वुड बिकम प्लस जी एम बाय आर क्यू इंटू डी आर, और माइनस जी आर पर दिस वुड बी माइनस, मींस डायरेक्शन उलट जाएगा. एट माइनस जी आर दिस इज, अब जरा सोचिए, सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, इंफिनिटी पर भी जीरो, और बीच में फाइनाइट हो रही है, मतलब बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होएगा जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए. तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी वह आप नॉट डिटरमाइन करते हैं. वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. जिस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगी वहां पर डीई बाई डी आर जीरो जाना चाहिए फॉर मैक्स ई DE by DR must be zero. अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे. D by DR of G और M तो कॉन्स्टेंट है,
आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसे हम डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे।